सॉरी स्टूडेंट्स, वो किन्हीं कारणों से पहला वीडियो रुक गया था, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। इंदिरा गांधी के बारे में हम बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी माई ट्रूथ, ये एक्सट्रैक्ट इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है और उनकी जो बुक है माई ट्रूथ उससे लिया गया है। आइए देखते हैं क्या डिस्कस किया है इंदिरा गांधी ने इस चैप्टर के माध्यम से। दिस एक्सट्रैक्ट इज अ स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधीज लाइफ इन हर ओन वर्ड्स फ्रॉम द बुक माई ट्रूथ। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, चैप्टर जो लिया गया है, ये इंदिरा गांधी का एक्सट्रैक्ट है, उनके लिखे हुए का एक अंश है, इंदिरा गांधी से के जो जीवन से संबंधित है। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखा माई ट्रूथ नामक पुस्तक में, उसी से लिया गया है। द बुक अनफोल्ड्स द लाइफ ऑफ ए गिफ्टेड पर्सन बोर्न इन ए रिमार्केबल फैमिली। ये जो पुस्तक है माई ट्रूथ, ये ऐसे रिमार्केबल पर्सन, जिनको गिफ्टेड पर्सन भी कहा जाता है, जो अच्छे धनी संपन्न परिवार में पैदा होते हैं, उनके बारे में कुछ बतलाती है। देयर आर इनोवेटिव पैसेज ऑफ हर रिकलेक्शन ऑफ हर ग्रैंडफादर एंड द डेज स्पेंड इन अलाहाबाद एंड ऑफ द हीरोज ऑफ हर चाइल्डहुड। देयर आर इनोवेटिव पैसेज, इनोवेटिव पैसेज बोलते हैं विचार करने वाले, विचार करने योग्य पैसेज हैं, ऑफ हर रिकलेक्शंस उनकी यादों के, ऑफ हर ग्रैंडफादर उनके ग्रैंडफादर के, एंड द डेज स्पेंट इन अलाहाबाद, और उन दिनों की यादें इसमें समाहित किया गई हैं जो उन्होंने इलाहाबाद में बिताई हैं, एंड ऑफ द हीरोज ऑफ हर चाइल्डहुड, और जिनको जो उनके आदर्श रहे हैं उनके बचपन के समय में, जो उनके आदर्श रहे हैं, हीरो रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये रिकलेक्ट करती है, रिकलेक्शन करती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपनी बचपन की यादों को, अपने परिवार से संबंधित यादों को डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई वॉज सराउंडेड बाई लव एंड एनर्जी बट इन स्पाइट ऑफ द नेम आई वॉज गिवन इंदिरा प्रियदर्शनी, सी हू वन लव्स टू लुक एट। आई वुड नॉट से एज सम हैव दैट आई वॉज स्पॉइल्ड ऑन द कंट्री वाइल माई ग्रैंड फादर गेव इन टू मी ऑन ए नंबर ऑफ थिंग्स ही बिलीव इन स्ट्रिक्टनेस ऑफ अप ब्रिंगिंग माई फादर एंड मदर ऑफकोर्स वर इवन स्ट्रिकर इन द डे टू डे मैटर्स एक्सेप्ट फॉर द वेरी अर्ली डेज आई वुड से दैट आई हैड ए स्पार्टन टाइप ऑफ लाइफ एंड वंस द फैमिली एंटर्ड द पोलिटिकल सीन इट बिकम ए लाइफ ऑफ टेंशन एंड कंसर्न फॉर माई पेरेंट्स। यहाँ पर इंदिरा गांधी बता रही हैं अपने बारे में, आई वॉज सराउंडेड बाई लव एंड एनर्जी, यानी कि उनके इर्द गिर्द चारों तरफ प्यार था और एनर्जी से भरपूर थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्हें जो नाम दिया गया था इंदिरा प्रियदर्शनी, वो लोग जो उनको जानते थे और प्यार से उनको इस नाम से पुकारते थे, वो नहीं कहना चाहती हैं कि इन सभी लोग उनको इस नाम से पुकारते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके जो दादाजी थे उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें दी, प्यार से परिवार में लाडली थी, बहुत सारी चीज़ें इनको प्रदान करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी ही बिलीव्ड इन स्ट्रिक्टनेस ऑफ अपब्रिंगिंग, वो स्ट्रिक्टनेस में विश्वास करते थे पालन पोषण करते समय भी। उनके जो फादर थे, मदर थे, वास्तव में वो भी एक स्ट्रिक्ट पर्सन थे, दिन प्रतिदिन के मैटर्स को वो भी बड़े ध्यान से लेते थे, इतने लाइटली उसको नहीं लेते थे। एक्सेप्ट फॉर द वेरी अर्ली डेज आई वुड से दैट आई हैड ए स्पार्टन टाइप ऑफ लाइफ, जो वेरी अर्ली यानी कि बहुत प्रारंभिक अवस्थाओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो इंदिरा गांधी कहना चाहती हैं आई हैड ए स्पार्टन टाइप ऑफ लाइफ। स्पार्टन टाइप ऑफ लाइफ मतलब उन्होंने बहुत ही संयमी जीवन को जिया है। एंड वंस द फैमिली एंटर्ड द पोलिटिकल सीन इट बिकेम ए लाइफ ऑफ टेंशन एंड कंसर्न फॉर माई पेरेंट्स, और एक बार जब परिवार ने पोलिटिकल राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर लिया, तब उनका जो जीवन था टेंशन चुनौतियों से
एंड चिंता से भर गया था उनके पेरेंट्स के लिए. अगेन शी सेज, आई डोंट रियली रिमेंबर आवर लाइफ ऑफ लग्जरी इन आनंद भवन. आई डू रिकॉल दो दैट द डेज देयर वर मोर लेजरली देन लेटर. आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर्स बर्थडे पार्टी एंड थिंग्स लाइक दैट. सी अगेन सेज, सी डोंट रिमेंबर हर लाइफ ऑफ लग्जरी इन आनंद भवन. आनंद भवन इज द नेम ऑफ पैलेस वेयर द फैमिली लिव. लग्जरी यानी कि विलासिता का जो जीवन था वो बिल्कुल भी उसको याद नहीं करती हैं उस जीवन को. आई डोंट रियली रिमेंबर, मैं वास्तव में उसको याद नहीं करती हूँ. आई डू नो, आई डू रिकॉल दो दैट द डेज देयर वर मोर लेजरली देन लेटर. मैं जो बाद के मेरी विलासितापूर्ण जीवन रहा है उससे बाद की जो बात है उसके बारे में बात कर रही हैं. आई रिमेंबर माई ग्रैंड फादर्स बर्थडे पार्टी एंड थिंग्स लाइक दैट. वो याद करती हैं उस दौरान अपने जो ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर के जो बर्थडे पार्टी हुआ करती थी और उससे संबंधित जो दूसरी चीज़ें होती थी वो उनको याद करती हैं यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स, आज आप की ये सेकंड वीडियो है. सेकंड वीडियो कुछ मैंने अंडरलाइन किए हैं हार्ड वर्ड्स, आप एज ए हार्ड वर्ड्स इनको नोट कर लेंगे और दूसरा यहीं तक इसको रीडिंग करेंगे चैप्टर को. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में शायद इसको कम्प्लीट कर लें. अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके बेटे, बाय.